ऐसा क्या था कि इन्होंने खजुराहो टेंपल जाना है, तो लोगों को एक ना शर्म सा आता है, वो अज्ञानता बस या कम ज्ञानी की वजह से ये होता है। इतने साल पहले इतना खुला दिमाग हुआ करता था लोगों का, जैसे सेक्स ना टैबू है अभी फिलहाल। सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सेक्स शुड नॉट बी अब्यूज, क्योंकि अगर आपने सृष्टि के सृजन को गलत भाव से देख लिया तो धर्म कहाँ से आएगा। शुड बी एक्सेप्टेबल इन फॉर्म ऑफ प्योरिटी। ये अप्राकृतिक सेक्स, वन लेडी सीज डूइंग सेक्स विद द डॉग एंड आफ्टर द सोल्जर्स दे टेक टू द किंग एंड शी सेज सॉरी फॉर दैट। अभी आई उस जमाने की सनी लियोन देखा, द ब्यूटीफुल लेडी सीज हैविंग अ ट्रांसपेरेंट क्लॉथ, लुक एट द कर्व, सो ब्यूटीफुल कर्व, इन्होंने बिकनी पहन रखी है। तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि 1100 वर्ष पहले लोग कितनी एडवांस रहे होंगे। सेंटर पीस को, दिस इज द ऑर्जी, ओरल सेक्स, सिक्स पीपल आर देयर, बट इफ यू सी द मेन कपल, द फीमेल इज मच यंगर देन अ मेल। अब जरा गौर से देखिए इसको, तो ही जस्ट ट्राइंग टू अवेक द चक्रास विद द हेल्प ऑफ फिंगर एंड दिस ऑल एक्ट दे फिनिश विदाउट इजैकुलेशन एंड विदाउट एनी डिस्चार्ज। आपने कभी ये जानने की कोशिश की तंत्र सेक्स में अंतर क्या है? सेक्स सभी जानते हैं, लेकिन तंत्र में वीर का स्खलन नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये बात मैं 1800 वर्ष पहले की बता रहा हूँ आपको। लगभग खजुराहो बहुत द बिगेस्ट सेंटर फॉर द तंत्र एक्टिविटीज, दुनिया से आते थे इस चीज़ को सीखने के लिए यहाँ पे। कामा सूत्रा, कामा मीन सेक्सुअल प्लेजर एंड सूत्रा मीन्स टेक्निक एंड वेन बोथ वर्ड कम टूगेदर सो बिकम कामा सूत्रा। खजुराहो में 84 अलग अलग पोजिशन ने काम की, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ करते हैं तो एक नंबर की भांति उभर के आएगा। सो दिस इज 69, 11, 12 एंड 71। शिवरात्रि, तो लोग यहाँ के पहले स्नान करते हैं, बाद में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, तो इस लेक का नाम है शिव और सागर। विवेक जैन, आपके साथ रहूंगा मंदिर के भ्रमण के दौरान। तो ये भारतवर्ष में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो नामक जगह पर अभी अपन खड़े हैं। तो 1100 वर्ष पहले इस एरिया में खजूर के पेड़ बहुत मात्रा में लगे हुए थे, वो इस तरीके से लगे हुए थे कि किसी राह का होना बताते थे, तो नाम निकल के आया क्या, खजूर प्लस राह, खजुरा। देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि मंदिर यहीं क्यों बने। अब वाराणसी जानते, पुराना नाम क्या था, वहाँ के राजपुरोहित, उनकी लड़की हेमावती बहुत खूबसूरत थी, तो पूर्णिमा की रात को जब वो खुले तालाब में स्नान कर रही थी तब भगवान चंद्र ने उनको देखा जमीन पर अवतरित हुए एक आदमी के रूप में। उस समय हेमावती के साथ बिताए, लेकिन जब वो जाने लगे तो हेमावती ने इस बात का विरोध किया, तब भगवान चंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक बहुत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि खजुराहो नामक जगह पर 85 मंदिरों की आधारशिला रखेगा। वो था इस डायनेस्टी का पहला शासक नन्नुक, और चंद्रवर्मन दोनों एक ही नाम है। वो जो डायनेस्टी कहलाई वो कहलाई चंदेला, ठीक है ना। जो चंदेला थी उनकी दो राजधानी थी, खजुराहो दूसरी महोबा। खजुराहो जो राजधानी थी वो थी धार्मिक, लेकिन 1838 में मिस्टर टी एस बर्ड के द्वारा खोजा गया। एक्चुअली ही वॉज फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड इज वेस्टर्न ग्रुप ऑफ कंट्री। 1986 यूनेस्को अडॉप्टेड, लेकिन लोग हमेशा ये पूछा करते हैं 85 मंदिर थे, 22 बचे, बाकी का क्या हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कुछ तो समय के साथ टूट गए, कुछ तोड़ दिए गए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, मंदिर चंदेलाओं द्वारा बनवाए गए, लेकिन पहला रेस्टोरेशन का काम परमा डायनेस्टी द्वारा किया गया है, दोनों अलग अलग डायनेस्टी हैं। देखिए खजुराहो की बात करें तो इन मंदिरों को बनने में 250 वर्ष लगे, ठीक है। इसमें 22 राजा इन्वॉल्व थे, पहले थे चंद्रवर्मन और अंतिम थे हबीरवर्मन। मंदिर अगर छोटा है सर, जैसे बगल में देख रहे हैं ना, तो इसको लगभग 20 से 25 साल लगे हैं बनने में, और लगभग 6000 लोगों द्वारा इसमें काम किया गया है। सबसे पहले पिलर के ऊपर देखिए, ऊपर देख रहे हैं वो हल्का से लाइट का रिफ्लेक्शन ऊपर, तो वन मैन मेंटेन द वेट, ये कीचक। अगर आपने महाभारत देखा होगा, कीचक वेरी स्ट्रॉन्ग आज इसको भीम ने मारा था, तो आर्टिस्ट गिव हिम अ वेरी गुड पोजीशन टू मेंटेन द वेट। इसके बाद देखें भगवान गणेश, गॉड ऑफ विजडम एंड देन गॉड ऑफ गुड लक ऑल्सो। मूर्ति को बहुत बारीकी से देखिए तो ये मानव संवेदना कितने क्लोज है कि शायद इतनी खूबसूरत मूर्ति आपने ना देखी हो। प्रसन्न वदना नाट्य कलापति, हैप्पीनेस मूवमेंट में भगवान डांस कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं तो दो लोग म्यूजिक दे रहे हैं, बन मृदंग मृदंग एंड अदब विद द बोंगो। इनका जरा पद संचालन देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कोई नृत्य जब घूम के खड़ा होता है ना सडनली, तो बॉडी लीनिंग स्ट्रेट टू द लेफ्ट
एंड बिकॉज ऑफ फिटिंग मसल डूज लुक द वंच ऑफ बेली इट गिव यू फीलिंग लाइक अ ह्यूमन मसल। इस आनंद की अतिरिक्त में भगवान भी ऊपर से पुष्पों वर्षा करते हुए बताए गए हैं। नीचे 164 एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट सिंबल होता है शक्ति का। और नीचे देखें कीर्ति मुख, ये होता ना बुरी नजर वाली तेरा मुकाला, तो ये बना है ये कलश, पीपल का पत्ता और केले का पत्ता। मतलब वो सब चीज़ें जो पूजा के दौरान ये जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो पवित्र मानी गई हैं वो सब आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इस महिला को जरा गौर से देखिए आप, इट गिव यू फील लाइक अनफिनिश्ड लग रही ना आपको, मगर ऐसा नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक महिला को कि नहा के जब वो निकली तो पानी की बूंदों से पूरा शरीर ढका हुआ था, चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथ में पेन और पेपर, तो मे बी सी राइटिंग ए लव लेटर, बालों का जूड़ा, कानों के कर्णफूल, कपड़े पहनने का तरीका, खड़े होने के सलीके देखिए। 1100 वर्ष पहले बना हुआ मूर्ति, तो इस मूर्ति को देख के आप एक बात तो कह सकते हैं, एट द टाइम द वुमेन दे वर वेरी गुड पोजिशन इन सोसाइटी एंड दे वर एजुकेटेड ऑल्सो। देखिए तांत्रिक क्रिया है, जो करेगा वो कहलाएगा तांत्रिक, और तांत्रिक होगा ऐसा दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी आँखें, ठीक है ना, ये दोनों आदमी ही हैं। देखिए जब तक इनके ऑर्गन नहीं देखें तब तक ये डिसाइड नहीं करें कि मेल है या फीमेल है। इस महिला को देखिए आप क्या कर रही है, ये बालों को संभाल रही है मगर चेहरे पे खुशी नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसने को सफ़ेद बाल देख लिए, सो सी इज थिंकिंग आई एम गेटिंग ओल्ड। कहने को ये पत्थर है, हर मूर्ति बोलती है। तो सर सबसे पहले यहाँ सेंटर पीस को गौर से देखिए, दिस इज वन लेग पोज, एक पैर आदमी का एक पैर औरत का है, मगर इसकी एक्टिविटी पे जरा ध्यान दीजिए। तो महिला जो है पुरुष के बाल को पकड़े है, जो पुरुष कहाँ थे वो इस पोजिशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट रिलेटेड विद द सेक्स, ये है तंत्रा। अब तंत्रा होता क्या है पहले उसे समझ लीजिए। देखिए हर आदमी और औरत के शरीर में 7 चक्र होते हैं, बहुत ताकतवर, बट नॉर्मली दे आर इन स्लीपिंग मोड, टू एक्टिव देम वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। तो तंत्र या टेक्निक टू ट्रांसफर एनर्जी, तो उसमें क्या होता है जो सेक्सुअल एनर्जी उसको बदला जाता है स्पिरिचुअल में, उससे होगा क्या आपके चक्र जो है जागृत हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दिस इज अ शॉर्टकट टू गेट सॉल्वेशन। ऊपर देखें महिला बालों को सुखाते हुए, हाँ ये नीचे देखिए स्वान बैठा है, देखा आपको, तो जैसे पानी की बूंद ऊपर से गिरती है तो क्या सोचता है कोई मोती ऊपर से गिर रहे हैं। बगल में देखेंगे लेडी लिफ्टिंग अ बेबी, ठीक है, मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए पैर में लगे कांटे को निकालते हुए एक महिला दिखाई गई है, आप किसी चीज़ पे प्रेस करेंगे तो उंगली आपकी टेढ़ी हो जाएगी, तो जरा उंगली देखिए यहाँ पर। ये देखिए तंत्र क्रिया चल रही है, लेकिन एक महिला पीछे खड़ी है, खास से एक आँख को बंद किए, क्यों? क्योंकि वो देखना भी चाहती है और उसे शर्म भी आ रही है। और ये देखिए नाखून लगे होने के निशान दिखाते हुए एक महिला बताई गई है। यहाँ देखिए ऊपर फर्स्ट पैनल में लेफ्ट साइड में महिला बॉल के साथ खेल रही, देखा आपको क्या था, उस जमाने में जिम नहीं थी, तो हाउ द वुमेन दे की फिट देम सेल्फ, तो दे थ्रू द बॉल एंड दे कैन फिट देम सेल्फ, इवन यू कैन सी द सिक्स पैक्स ऑन द बैक साइड, देखिए आपको विष्णु, क्योंकि मंदिर विष्णु को समर्पित है, महिला निर्वस्त हो तो ही बताई गई है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे कॉर्नर वाले की। अब लोअर में देखिए मांग भरी टिंडी के सीज मैरिड, अब गौर से देखिए कानों के कड़े, कर्ण फूल, गले का हार, कितना मतलब 1100 वर्ष पहले बनाया गया मूर्ति है। बगल में शिव जी हैं, महिला कान साफ कर रही विद द जॉनसन बर्ड्स। यहाँ देखिए तांत्रिक पीपल हाउ यू रिकॉग्नाइज विद द बियर्ड मुस्ताच एंड बिग आइज, इफ यू सी द लोअर पार्ट्स इट सीम्स दे डन ऑलरेडी एंड दैट पोस्चर यू कैन सी द लेडी इज द डाउन एंड मैन इज अप, व्हेन यू कम कंटिन्यू हेयर हेयर यू सी द चेंज लेडी ऑन द टॉप एंड द मैन इज डाउन। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी दे यूज्ड टू डू 1100 ईयर्स बिफोर। क्या था उस जमाने में, आदमी का उद्देश्य घर बसाना नहीं होता था, हर आदमी का उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति, तो तंत्र के माध्यम से कम समय में कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ये दिखाने का प्रयास किया गया। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष है ना, जो तो काम से मोक्ष की यात्रा है ये। आप प्राकृतिक सेक्स, वन लेडी सीज डूइंग सेक्स विद द डॉग एंड आफ्टर द सोल्जर्स एंड दे टेक टू द किंग एंड सी से सॉरी फॉर दैट। आप अपन इसका डायरेक्शन बदल तो कहानी कैसी बदल जाएगी, कि वन लेडी आस्किंग अ किंग प्लीज गिव मी अ डॉग हु कैन डू द सेक्स विद मी, मगर हिंदी कहाँ से कहाँ पढ़ते अपन, लेफ्ट टू द राइट, तो पहले इंटरप्रिटेशन इज राइट वन। अभी आई उस जमाने की सनी लियोन देखा आपको, द ब्यूटीफुल लेडी सीज हैविंग अ ट्रांसपेरेंट क्लॉथ, लुक एट द कर्व, सो ब्यूटीफुल कार्ड, उन्होंने बिकनी पहन रखी है। तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि 1100 वर्ष पहले लोग कितनी एडवांस रहे होंगे। और दूसरी चीज़ क्या देखिए, जब बिकनी के जस्ट नीचे देखिए आप तो मसल्स देखेंगे आपको महिला के, देख रहे हैं कि नहीं, तो आप कोई महिला का ऐसी टर्न होगी तो उसके मसल कहाँ पड़ने चाहिए वो आप उसमें देख सकते हैं। मतलब इतना माइन्यूट काम किया गया कि शायद आप उस गहराई तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कॉर्नर में देखेंगे लविंग कपिल से महिला ताड़ी बना रही है, महिला पिला रही है लोटे से, आदमी हाथों से पी रहा है, नीचे बर्तन रखें दारू को रखने के लिए।
देखिए अभी अपन ने उस तरफ क्या देखा था, ये महिला पैर में लगे कांटे को निकाल रही, देखा था कि नहीं? ठीक है ना? नहीं नहीं सेम नहीं है। तो क्या हुआ कि वो चीज अनसक्सेसफुल, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब को बुलाया था। डॉक्टर साहब का बैग देखिए जरा, इट सीम्स टू बी लाइक अ गुची बैग। ये आपको ये दिखाने की कोशिश की, खजुराहो इंटीरियर स्मॉल प्लेस बट द लाइफस्टाइल वाज सो हाई एंड पीपल आर वेरी एडवांस इन दैट टाइम। किसी भी मूर्ति में आपको पर्दा नहीं दिखे, पर्दा आया जब जब मुगल हिंदुस्तान में आए। सर सबसे पहले यहाँ देखिए मैम, सेंटर पीस को, दिस इज द ऑर्जी, ओरल सेक्स, सिक्स पीपल आर देयर। बट इफ यू सी द मेन कपल, द फीमेल इज मच यंगर देन अ मेल। उसकी एक्टिविटी देखिए, शी वुड लाइक टू फुलफिल हर डिजायर। राइट हैंड में देखिए, द वन मंकी इज मेकिंग अ डिस्टर्बेंस टू अ लविंग कपल, सो मैन इज ट्राइंग टू सेंड हिम विद अ स्टिक। देखिए बॉडी, दे आर नॉट इन द सेंस, ठीक है ना? आँख कमर से ऊपर बहके हुए देखेंगे आप, देख लीजिए इसको। अब देखिए आप नीचे सब लोग, तो ऑल एलिफेंट दे आर लुकिंग इन द फ्रंट, बट वन एलिफेंट लुक इन द साइड एंड स्माइलिंग। कौन सा है? वो वाला। तो आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया जो 1100 वर्ष से मुस्कुरा रहा है? आइए जरा अपन भी देख, मुस्कुराए। देखो इज लुकिंग, अब जरा गौर से देखिए इसको। तो ही जस्ट ट्राइंग टू अवेक द चक्रा विद द हेल्प ऑफ फिंगर एंड दिस ऑल एक्ट दे फिनिश विदाउट इजैकुलेशन एंड विदाउट एनी डिस्चार्ज। अब यहाँ वो तीन क्वेश्चन जो आपने पूछा था ना कि इसमें एरोटिक मूर्तियाँ क्यों, वो है कि पहला कामासूत्र बुक लिखी गई, दूसरा जनसंख्या के लिए इसको बनाया गया, तीसरा मोक्ष का ये साधन था। ठीक है ना? आपने कभी ये जानने की कोशिश की तंत्र सेक्स में अंतर क्या है? सेक्स सभी जानते हैं, लेकिन तंत्र में वीर का स्खलन नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये बात मैं 1800 वर्ष पहले की बता रहा हूँ आपको। लगभग खजुराहो बहुत द बिगेस्ट सेंटर फॉर द तंत्र एक्टिविटीज, दुनिया से आते थे इस चीज़ को सीखने के लिए यहाँ पे। अब जरा गौर से मूर्ति को देखिए, तो सबसे पहले उंगलियाँ देखिए जो बांसुरी पे चल रही हैं, हाथों का हंसफूल देखिए, बालों का झूला देखिए, हैं। और इसी मूर्ति को अगर यहाँ से खड़े होंगे आप दीवार के पास से, तो उसके नोज लिप्स और आईब्रो, मैडम यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा लग के, हाँ ये मास्टरपीस है। अगर टॉप 5 मूर्तियों की बात कर रहे हैं ना खजुराहो की आप, तो ये उसमें एक नंबर इसका जरूर आएगा। फर्स्ट किंग वाज सो ब्रेव ही कैन एबल टू फाइट विद द लायन एंड टाइगर्स, वन मैन इज फाइटिंग विद द लायंस, दिस इज द एम्बलम, चंदेला डायनेस्टी का राज की चिन्ह है। इसके जरा बालों को देखिए, तो इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस है। पहला गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में, 4th century BC। और थर्ड में क्या बना? अशोकन कॉलम कैपिटल। तो जो अपनी करेंसी में अशोक की लाठ है ना, उसके बाल भी इसी टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। तो 9वीं शताब्दी तक आते आती खजुराहो के मंदिर में अपन को ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। देखिए अपन मंदिर से कहाँ जमीन पे आ गए, तो चेतना का निम्न स्तर क्या होता है? हिंसा। जिस व्यक्ति की चेतना खत्म हो जाएगी तो वहाँ से हिंसा चालू होगी। सो दीज आर द डेकोरेटेड हॉर्सेज, एलिफेंट एंड आर्मी ट्रांसफरिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दैट इज द बैटल फील्ड। कामा सूत्र, कामा मीन्स सेक्सुअल प्लेजर एंड सूत्र मीन्स टेक्निक, एंड वेन बोथ वर्ड कम टूगेदर सो बिकम कामा सूत्र। खजुराहो में 84 अलग अलग पोजिशन है काम की, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ करते हैं तो एक नंबर की भांति उभर के आएगा। सो दिस इज 69, 11, 12 एंड 71। टू डू दिस एक्टिविटीज यू नीड मोर पावर शेयर टू सी द मोटर, सो दे गेट द मेडिसन फ्रॉम इट, सो इट्स सो दे इन्वेंट द वाइग्रा इन दैट टाइम। हेयर यू कैन सी सम मोर एथलेटिक पोजिशन, दिस इज मिशन इम्पॉसिबल, बट वेन दे टुक द मेडिसन सो दे मेक इट पॉसिबल। हेयर यू कैन सी वन लेडी विद द टू मैन, सो वाई वन गेट वन फ्री पोस्चर एंड दैट इज द स्विंग पोजिशन। यहाँ देखेंगे तो बिकॉज एट द टाइम द वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन बैटल फील्ड, इफ द सोल्जर डिजायर फॉर द सेक्स द यूज ऑफ फीमेल हॉर्स, द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड टू ओपन वन आई बिकॉज ही इज क्यूरियस टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट हिज साय आल्सो एट दिस मैन इज रेडी फॉर द नेक्स्ट बिकॉज देयर इज अ क्यू। क्लासिक पैनल, द टीचर सिटिंग इन द सेंटर लुकिंग द टू स्टूडेंट डांसिंग इज गिविंग द म्यूजिक। दीज आर द वॉर एलिफेंट, यू कैन सी द राइडर, दे आर पुटिंग अ फुल एफर्ट टू टीच देम, क्योंकि इनको ऐसा सिखाया जाता था कि दे आइडेंटिफाई द एनिमी एंड क्रश देम इन द बैटल फील्ड। रसलिंग, एलिफेंट मार्च। अब यहाँ देखिए तब, तो ये एलिफेंट जो है बड़ा चंचल है, इसने इसके प्राइवेट पार्ट को टच किया तो लोग गिर गए ऊपर से बैठे हुए थे। ये राजा साहब बैठे, महिला हवा कर रही पंखे से, दिस मैन ट्रेजरर, मनी बैग इंक। तो ये पूरा कॉन्फ्रेंस वाला सीन बना हुआ है। ये देखिए शादी, मंडप लगा है, पंडित जी बैठे, महिला पोशाक के फेरे ले रही है, सॉर्ट कर रही है, बरातियों का बरात हाथियों से आ रही है, फ्लावर कलर सीन म्यूजिक, ठीक है ना? पूरा शादी का है। सर जो बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है आपको बीचों बीच, ये भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ ह्यूमन फॉर्म में बना है, लाइन पोजिशन में बैठे हुए हैं। मैम मैंने आपको जब पहले ब्रीफ किया था सर, तो मैंने बताया था कि ओरिजिनली 85 मंदिर से 22 बची हैं, तो ये पुराने मंदिर के पीस पड़े हैं,
तभी आपने ये जानने की कोशिश की कि 1100 वर्ष के बाद भी मंदिर बहुत अच्छी स्थिति अवस्था में खड़ा, इसका कारण क्या है? इसका कारण इसका निर्माण, मंदिर बनते कैसे थे? तो फर्स्ट कार्गो पीस बाय पीस इन ग्राउंड एंड आफ्टर द लेक हाई लोक टू प्लेटफॉर्म एंड कनेक्ट द टू स्टोन विदाउट यूजिंग एनी सीमेंट एनी ग्लूमिंग मटेरियल विद इंटर लॉकिंग सिस्टम सॉकेट एंड सीलिंग सिस्टम. क्या होता था? दे मेक होल इन द बेस एंड दे मेक अ पिन इन अदर स्टोन एंड दे फिक्स इट. सो दिस वाज द टेक्निक टू बिल्ड अ टेम्पल. हाथी को देखिए, तो 20% पार्ट बाहर है, 80% मंदिर के अंदर इनबिल्ड हो जाता था, ये अंदर घुसा देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने अभी तक जो भी मूर्तियाँ देखी वो पत्थर का केवल 20% था. ये मंदिर में ऐसा क्या था कि इन्होंने जैसे आपको एक्चुअली ये जो मंदिर बना है, अगर वैसे देखो ना, अगर बाहर भी लोग सुनते खजुराहो टेम्पल जाना है तो लोगों को एक ना शर्म सा आता है कि वहाँ पे वो सर. इसलिए देखिए, वो अज्ञानता बस या कम ज्ञानी की वजह से ये होता है, क्योंकि जिस गहराई के लिए मंदिर बनाए गए उस गहराई तक तो लोग पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि आपने जिसने जो जो देख लिया उसने उसको मान लिया. सही बोल, ठीक है ना. बट मेरा सवाल ये है, इतने साल पहले इतना खुला दिमाग हुआ करता था लोगों का, सवाल ही उठता. बीच में आते आते अभी फिलहाल जैसे सेक्स में टैबू है अभी फिलहाल. देखिए सिंपल सी चीज है जो आप पूछ रहे हैं, समझ गया. हाँ देखिए, बहुत सिंपल तरीका है. सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सेक्स शुड नॉट बी अब्यूज्ड. टू गिव दिस मैसेज टू अ लेमन टू अ कॉमन मैन दे ब्रॉट सेक्स इन अ टेंपल. क्योंकि अगर आपने सृष्टि के सृजन को गलत भाव से देखिए तो धर्म कहाँ से आएगा? सर ये देखिए, मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा कामुक मंदिर है. मंदिर का नाम कंदारिया महादेव. अगर आज मंदिर खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है तो सबसे बड़ा गांव इस मंदिर का. ये जो चार कलर दिख रहे हैं आपको, ये जीवन के चार आश्रम को रिप्रेजेंट करता है. अर्थ धर्म काम मोक्ष. मोक्ष सबसे ऊपर. जो टोटल कलशों की संख्या है वो 84. तो देखिए 1855 में जब प्रताप सिंह आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर गिरने वाले हैं, तो मंदिर को ताकत देने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म को ऊंचा और चौड़ा कर दिया. तो ये करने के लिए क्या किया उन्होंने, पुराने मंदिर की पीस जो पड़ी थी, यूज एज स्टोन, सम आर हॉरिजॉन्टल एंड सम आर वर्टिकल. पैकेट में देखिए ऊपर एंगल, तो वन कपल इज देयर शिव पार्वती. देखिए सर, गणेश अगेन विथ 10 हैंड्स. क्यों इस पोजिशन में? क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुति की गई थी. तो 7 हैंड्स आर रिप्रेजेंटिंग 7 स्वर, और 3 हाथ 3 तालों को रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए मंदिर शिव को समर्पित है, तो शिव की शक्तियाँ आपको बाहर दिखेंगी. तो सबसे पहले कौन दिखेगा आपको? चामुंडा. हाँ, इनके पेट के बाद बहुत सी स्कॉर्पियन बनाई है. देखा आपको स्कॉर्पियन सिंबल होता है भूख का. अगर ये पेट पे बना तो ये खाने के लिए भूखी हैं, लेकिन जैसे स्कॉर्पियन भी एक महिला की जान पे आ गए तो सीजन बिफोर द सेक्स. यहाँ देखिए महिलाओं के पैर आपको लंबे दिखेंगे, बिकॉज लॉन्ग लेग्स मेक्स टू डू द सेक्स एक्टिविटी वेरी कम्फर्टेबली. तो महिलाओं को पैर लंबे दिखेंगे. ऊपर देखिए तो वन लेडी सीटिंग मेन टॉप पे. एक्चुअली दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉल, द 3 ब्यूटीफुल पैनल इन अ रो. द फर्स्ट वन दे आर डूइंग अ फोर प्ले, द मिडिल वन द 2 कपल, दिस लेडी सपोर्टिंग दैट मैन एंड दिस मैन सपोर्टिंग दैट लेडी, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पैनल इन द हिस्ट्री ऑफ खजुराहो. 1 मेल एंड 3 फीमेल, एंड ही इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई ऑल 3 वुमेन इन द सेम टाइम, वन विद द बैक इन द पोस्ट एंड 2 विद द फिंगर. मगर इसमें ये देखिए, द जर्नी ऑफ द मैन नॉट गेटिंग डाउन, सो दिस इज अंडरस्टेबल दिस थिंग हैपनिंग ऑन द बेड. क्योंकि जैसा दिख रहा है जैसा हो रहा होता तो जोली मस्ट बी डाउन. सो पीपल दे आर ऑन द बेड एंड दिस इज द टॉप व्यू. ये बंदर की नॉटिनेस को बता रहा है. देखा देखा आपको यहाँ तीसरा पहली मूर्ति देखेंगे तो वन लेडीज कैरिंग अ मैंगो बंच एंड अदर हैंड द पैरेट. एक्चुअली शी इज प्रोस्टिट्यूट वोमिटेड कॉल्ड नगर बधू. क्या था उस जमाने में ऐसी महिलाएं हुआ करती थी, बट हाउ यू रिकॉग्नाइज? सो दीज टू थिंग वर असेंबल. वाई मैंगो, वाई पैरेट? बिकॉज मैंगो रिप्रेजेंटिंग मैच्योरिटी एंड पैरेट इज अ व्हीकल ऑफ कामदेव, गॉड ऑफ लव. So those people are interested to fulfill their desire. They know where this can go to be. वहाँ देखिए, one lady sitting on mustard is herself. सबसे ऊपर वाला नीचे जुड़ है फर्स्ट किसिंग एंड ब्रोजिंग एंड कंप्लीटेशन और 3 मोमेंट ऑफ द लव.
But if you see the middle, when the male and the female both are heated, so you can see the stomach is red. And the beginning and the last day become normal, so stomach is yellow. तो ये काम की तीन अवस्थाएं हैं जो कलर के साथ रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें कुछ अपन ऐसा देखेंगे जो अपन ने कहीं नहीं देखा है, कॉर्नर में देखेंगे तो लविंग कपल्स हैं, टू लेग ऑफ मैन डाउन साइड इसका पोजिट बना हुआ है, स्ट्रंप वाला। ये दो बहनें सुखी दुखी यहाँ से पहुँच रही है, मुस्कुरा रही है। यहाँ देखेंगे तो ये यमराज मृत्यु के देवता अपन पहले देख चुके हैं। ये देखें सर कुछ अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर बने हुए, ये सबसे खास है। इसमें क्या अपन मेल होल्डिंग लेडी होने जा रहे हैं, बट लेडी सीम्स टू बी सो हैवी सो लेग इज ब्रोक, ऐसा नहीं हुआ है। स्कॉर्पियन थाई पे तो यहाँ भी लिखी स्कॉर्पियन थाई को लग बना हुआ है ना। ये देखिए यहाँ देखिए पहला बॉल के साथ खेल रही है, ये फॉल प्ले करते हुए बताया गया है ऊपर। यहाँ दो मूर्ति बहुत अच्छी है, देखिए वन लेडी यूजिंग आई लाइनर, मैम देखा आपने आई लाइनर काजल होता ना जो, भैया देखिए महिला सोचते हुए बताइए है। यहाँ सबसे खास है वो ये मूर्ति है, ये इसको इंडियन मॉडल ही चाहिए। कि ऐसी मूर्ति की जैसे एक जगह बनेगी तो उसके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। यहाँ से डिफरेंट है, हाँ। तो मुस्कुराते हुए नजर आ रही है, यहाँ से मुस्कुराते हुए नजर आ रही है और यहाँ से वो गुस्से में नजर आएगी इस तरफ से। तो जैसे आप जगह बदलेंगे तो उसके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। टेम्पल पर समर्पित था पहले, लेकिन जब प्रताप सिंह आए तो उन्होंने अपनी कुलदेवी को यहाँ लाकर दिखा लिया, जगदम्बी पार्वती को। तो मंदिर 18 दिनों के लिए खोला जाता है नवरात्रों में पूजा के लिए, हाँ बाकी बंद रहता है, मतलब देख सकते पूजा नहीं कर सकते। ये सबसे पहले सफेद वाले को, दिस इज द मोस्ट यंगेस्ट टेम्पल इन दिस कॉम्प्लेक्स, जस्ट 200 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, ईंट चूने का बना हुआ है। लेकिन जरा इसके ऊपरी शिखरों को गौर से देखिए आप, तो तीन धर्मों का समावेश है। पहला पार्ट मस्जिद की तरह है, बीच वाला बुद्धिस्ट है, लास्ट वाला टेम्पल है, दे मेक फॉर यूनिटी। देखिए अगर आपने अकबर को पढ़ा हो तो अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, उसमें क्या था सर्वधर्म संभव, तो उसको लेके बनाया गया है। क्योंकि मंदिर प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया इसलिए मंदिर का नाम प्रताप किशोर टेम्पल है, ये भगवान शिव को समर्पित है। देखिए क्वेश्चन फिर आई वही आ गया कि भाई भगवान को कौन सी जरूरत आनी पड़ी कि एक सुअर का रूप रखा। तो मैं आपको पौराणिक कथा के हिसाब से बता रहा हूँ, क्या था उस जमाने में, तो राक्षस थे हिरण कश्यप और हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष ने क्या किया, पृथ्वी देवी को पाताल लोक में छुपा दिया। पाताल लोक में पानी और कीचड़ बहुत मात्रा में होता है, किसी का जाना संभव नहीं होता है, लेकिन श्री देवी को मुक्ति हुआ। दूसरा क्या समझते हैं अपन हिंदू धर्म के हिसाब से, कि जो अपनी पृथ्वी है ये शेषनाग के सर के ऊपर टिपकी है, ऐसा अपन मानते हैं। तो चार पैरों के बीच में एक बड़ा सा शेषनाग बना हुआ है। इस पूरे जो मूर्ति का मूर्तिंकन किया गया है इस घटना को लेके किया गया है। अब देखिए बात होगी सर सबसे खास खजुराहो के मंदिरों के निर्माण की। यहाँ किसी भगवान को अगर पहचानना है तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विद द फेस, यू हैव टू सी द आइकनोग्राफी। जैसे शिव होंगे तो ट्राइडेंट दिखेगा, ऑक्स दिखेगा, स्नेक दिखेगा, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको 8 डायरेक्शन गॉड बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है किसी भी मंदिर के निर्माण के लिए। आइए जरा चक्कर लगाएंगे अपन, आते जाइए। सबसे पहले वायुदेव देखेंगे, हाउ यू रिकॉग्नाइज विद द फैन, ठीक है ना। वायु के बाद नंबर आएगा वरुण का, ये सीप बना हुआ है भेड़। यहाँ देखेंगे वन मैन सिटिंग ऑन अ क्रोकोडाइल विद द पॉट, क्यों, क्योंकि जब भगवान भ्रमण करते थे ना पानी कीचड़ में तो उनके पैर गंदे हो जाते थे, धोने के लिए पानी और मगर क्यों, क्योंकि वाहन किसका है, गंगा का। धन के राजा कुबेर, कुबेर के बाद नंबर आएगा ईशान का, ईशान क्या शिव का एक रूप है, तो ट्राइडेंट एंड बुल दिखेगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद नंबर आएगा इंद्र, व्हाइट एलिफेंट एरावत। इंद्र के बाद आएगा नंबर अग्नि, गॉड ऑफ फायर, बहुत आसान है पहचानना, बियर्ड होगी, बियर्ड में नॉट रहेगी। और ये देखिए मृत्यु के देवता यमराज, ये देखिए मृत्यु के देवता यमराज, हाउ यू रिकॉग्नाइज विद द स्कल, ठीक है ना। और ये निरूति हैं जो न्यूड रहेंगे हाथ में तलवार लेके। सो दीज 8 डायरेक्शन गॉड, ठीक है ना, एंड द 9 प्लैनेट्स, 5 आप इस तरफ देखेंगे तो 4 उस तरफ देखेंगे, मतलब ये दोनों मिलना ही है क्योंकि बिना इन दोनों के किसी मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। देखिए आप साउथ इंडिया तो गए होंगे, साउथ इंडिया में जो मंदिर बनता है वो बनता है द्विवेणी स्टाइल में, आपने मीनाक्षी टेम्पल देखा होगा, स्टेट हुआ करता गौमुख स्टाइल में, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ इंडिया आएंगे तो स्टाइल चेंज हो जाता है, ये बनता है नागर शिखर स्टाइल में, और माउंटेन भी कहते हैं उसको। अब जरा गौर से स्ट्रक्चर को देखिए पूरे को,
तो ये पंचायतन सेलिम का मंदिर है, पंचायतन मीन्स होता है पाँच, जिसमें वन बिग टेम्पल इन द सेंटर एंड द फोर स्मॉल टेम्पल्स आर इन फोर कॉर्नर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइव कॉस्मिक एलिमेंट पंच तत्व जिससे अपना शरीर बना होता है। मंदिर का नाम लक्ष्मणा है, बट इज डेडिकेट टू लॉर्ड विष्णु। आपने शिव मंदिर बहुत देखे होंगे, शिव के सामने क्या होता है? क्यों? क्योंकि नंदी उनका वाहन है। सिंपल, ये विष्णु का टेम्पल तो क्या होना चाहिए था? गरुण। अब जरा गौर से देखिए तो आधा मंदिर पत्थर का बना हुआ है, ऊपर का जो पार्ट है ये रिपेयर किया गया है। तो 1855 के पहले यहाँ गरुण स्तंभ था, लेकिन जब प्रताप सिंह आए उन्होंने देखा कि चीज़ें टूटी हुई पड़ी हैं, तो उन्होंने चीज़ों को जोड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, और जानकारी थी नहीं तो विष्णु के सामने लक्ष्मी को बिठा दिया। तो ये बात क्या किया हुआ काम है, पहले यहाँ गरुण स्तंभ। सबसे पहले सेंटर ब्रैकेट में देखिए, सबसे ऊपर वन मैन स्टैंडिंग विद द टू लोटस, ठीक है ना। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ब्यूटीफुल आर्च बना है, इसको कहते हैं मकर तोरण। मकर मींस क्रोकोडाइल्स, तोरण मींस आर्च। मगर क्यों है? क्योंकि मगर वाहन है गंगा का। तो सपोज करिए अगर हम आप 100% शुद्ध नहीं हैं, लेकिन अपन जैसे इस गेट को क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन शुद्ध हो जाएंगे। सो दीज टू क्रोकोडाइल्स आर हेयर फॉर प्योरिफिकेशन विस्टर ऑफ टेम्पल्स, ये लोगों की शुद्धिकरण के लिए बने हैं। ये सर शिलालेख, ये वो दस्तावेज है जो मंदिरों के बारे में बताता है। भगवान विष्णु की स्तुति लिखी गई है, भाषा प्राकृत है, जो लिपि है वो देवनागरी, द रिटन अबाउट द टेम्पल इन द स्क्रिप्ट, ठीक है ना। देखिए आज से 50 साल पहले ये शिलालेख बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन जब हिस्टोरियन आया उन्होंने इसको पढ़ा तो उन्होंने वो सब चीज़ें पाई जो इस मंदिर से संबंधित थी। तो ये माना गया संभवतः यहीं का रहा होगा, धन के चक्कर में उसने इन्वेडर्स ने इसको निकाल के फेंक दिया था। यहाँ देखेंगे सर, ये खास पार्ट होता है मंदिर का, इट कॉल महामंडप। यू कैन मेजर द ब्यूटी ऑफ टेम्पल फ्रॉम हियर, दिस प्लेस यूज्ड बाय द किंग्स फॉर द रिचुअल्स एंड द क्लासिक डांसर भी आल्सो परफॉर्म हियर। देखिए सबसे पहले पिलर को देखिए, सबसे ऊपर वाली मूर्ति को देखिए, तो वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर एक महिला खड़ी हुई है। क्या था उस जमाने में? दो अप्सराओं का बड़ा बोलबाला था, एक आम्रभंज का, दूसरा शालभंज का। पहला शालभंज का अपन को कहा मिला? पटना एरिया में टेराकोटा में, वो पीस आज भी पटना के म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ उसके साथ साथ एक और कैटेगरी का डेवलपमेंट हुआ, कॉल आम्रभंज का। तो उसमें क्या हुआ? एक आम का पेड़ होगा, पेड़ के नीचे एक महिला त्रिभंग स्टाइल में खड़ी होगी। कौन सी? ये वाली देखिए, घुटना कमर कंधा, वो वाली मूर्ति। तो ये दीज पीस दे यूज फॉर द ऑर्नामेंट, ये मंदिरों के अलंकार या उन्हें सजाने संवारने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। अंदर देखिए जहाँ भगवान खड़े हैं, ये वैकुंठ विष्णु, चार सर हैं लेकिन अपन तीन देख पाएंगे। नीचे हाथों को देखिए तो हाथ टूटे हुए हैं। तो हिंदू धर्म के हिसाब से अपन उस मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, यहाँ का मैंने मंदिर टूटा हुआ हो, ठीक है ना। तो दीज टेम्पल्स आर रिमेनेज मोन्यूमेंट, यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं की जाती है। मैंने अपन से जो बात मैंने जो खास की है वो 9 प्लैनेट्स 8 डायरेक्शन गॉड, बट थर्ड थिंग्स विल बी एड राइट नाउ, 3 प्रिंसिपल गॉड, ब्रह्मा विष्णु शिवा, क्रिएटर प्रिजर्वेटर एंड डिस्ट्रॉयर। बट हाउ रिकॉग्नाइज? तो ब्रह्मा ऑल द टाइम विद द फोरहेड एंड द बियर्ड, विष्णु चक्र सेल एंड सेवा, यू कैन सी विद द ट्राइडेंट एंड द स्नेक। अब इनकी जरा हाथों की पोजीशन को देखिए, जैसे आप किसी को ब्लेस करेंगे तो हाथ ऐसा होगा, और जैसे मेडिटेशन करेंगे तो हाथ ऐसा। तो इट कॉल अभय मुद्रा एंड वरद मुद्रा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मंदिरों को, शिखरों को देखिए आप जरा दोनों को, क्या अंतर है इसमें उसमें? देखिए देयर इज अ फ्लैग, नो देयर इज अ फ्लैग एंड देयर इज नो फ्लैग। सो फ्लैग इज अ सिंबल, द टेम्पल इज एक्टिव एंड दिस रिमेन इज ए मोन्यूमेंट। तो ये बेसिक अंतर है जो आप कहीं दूर से भी इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, खजुराहो टेम्पल, जो मैं सोच रहा था आज तक कि एक शर्म या कुछ अश्लीलता और जो वहाँ पोजीशंस हैं, जो वहाँ मूर्तियों की पोजीशंस हैं, उनको जो मैंने आज तक देखी थी, उनको सोच के जब मैं आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्या क्या फील होगा या क्या है, क्या उसके पीछे स्टोरीज है, जो हम आम लोग समझते हैं कि उसके पीछे सिर्फ सेक्स या वल्गैरिटी ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ स्टोरी सुनी तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है उससे। इसके पीछे जो पॉइंट था सिर्फ यही है, यहाँ पे यही है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ सेक्स है और ये उसी को दर्शाने के लिए बनाया गया, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, बेस हम उसको मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या अचीव
कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट है उसका, किस चीज़ के लिए है, वो बहुत ही डिफरेंट है। पूरे वीडियो में जो हमारे साथ गाइड थे उन्होंने इसके पीछे बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरीज हैं, तंत्र मंत्र काम लाइफ बहुत कुछ इस चीज़ के पीछे है। तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन प्रॉपर वीडियो बनेगा, बहुत अच्छी स्टोरी है इसके पीछे। तो जो मेरा ओपिनियन थी या मेरी सोच थी वो टोटली चेंज हो गई है इस मंदिर को देखने के बाद। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा है, काफ़ी मंदिर हैं, हर मंदिर में अलग मूर्ति कैसे बनाया है, कैसे एक एक मूर्ति को इन्होंने इतने सालों पहले सैंडस्टोन में तराशा है, हेड्स ऑफ है, मस्ट वॉच है, ज़रूर आना बनता है ऐसी जगहों पे। हमारे इंडिया की जो ये धरोहर हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये शायद हमारा एक मंदिर मिस हो गया था। इसके पीछे उन्होंने बताया था कि कैसे सर्वधर्म वाला अफेक्ट है इसमें, मुस्लिम हिंदू और बौद्धिज्म जैनिज्म, ये तीनों के ऊपर आप टोम देख रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चारों तरफ मंदिर है, यहाँ से मंदिर पूरा, वहाँ मंदिर, ये पूरा वेस्टर्न ग्रुप है मंदिरों का, अमेजिंग। सो एट लास्ट यहाँ प्लीज़ आइए, आना बहुत इजी है, भीड़ नहीं है, खाने की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, रोड्स अच्छे हैं, टिकट्स 35 रुपीज़ पर हेड है और वेल मेंटेन्ड है, सुंदर है, घास वास सब कुछ मेंटेन है, गंदगी नहीं है, वॉशरूम सबकी फैसिलिटी है, तो कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है यहाँ पे। तो एट लास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ विज़िट करके। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं खजुराहो से 20 किलोमीटर्स दूर रहने वाटरफॉल, वो भी हम देखेंगे और उसका वीडियो अलग बनेगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच।